हाय, दिस इज मानव, सुपर मानव, और ब्लैक विडो फिल्म कल रिलीज होने वाली है, तो इससे अच्छा टाइम कब होगा उसी कुछ थ्योरीज डिस्कस करने का। वैसे हम पहले भी थ्योरी डिस्कस कर सकते थे, पर मेरे पास टाइम नहीं है, हम प्रोकास्टिनेशन में बिजी था इसलिए। तो फालतू की बात छोड़ते हुए लेट्स डाइव इनटू इट। तो थ्योरी नंबर टेन है हॉकाइज अपीयरेंस। द एवेंजर के इस सीन से एमसीयू में एक जोक फैल रहा है कि हॉकाई और ब्लैक विडो ने कुछ कांड किया है बुडापेस्ट में, या फिर कोई मिशन करा है बुडापेस्ट में, जो कि हमें इस में देखने को मिल सकता है, और साथ ही साथ अपने हॉकाई की अपीयरेंस भी हो सकती है एक कैमियो सीन के थ्रू। और अब आप पूछ रहे हैं किसी और एवेंजर की क्यों नहीं, क्योंकि जो हॉकाई है वो एक बहुत ही स्पेशल रोल पे करता है ब्लैक विडो के साथ, इसीलिए वो हमें इस मूवी में दिख सकते हैं, और साथ ही साथ वो बुडापेस्ट वाला मिशन भी देख सकते हैं हम। हाँ, मुझे पता है वो फ्लैशबैक ही होगा, पर देखने को तो मिलेगा। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थ्योरी, टास्क मास्टर इज अ क्लोन। हाँ, ये बात थोड़ी अटपटी लग सकती है आपको, पर थ्योरी है, और मैं इसको आपको बताता हूँ कि ये कैसे थ्योरी है। तो जो ब्लैक विडो है वो सबसे स्किल्ड असैसिनेट है, स्पाई है, बहुत ही बेहतरीन एजेंट है, उसकी स्टेल्थ की तो बात ही अलग है। तो जो ब्लैक विडो प्रोग्राम के जो मेंबर्स थे, उन्होंने सोचा कि जो अपने सबसे स्किल्ड असैसिनेशन है, जो अपना सबसे काबिल स्पाई हमने बनाए हैं, उसका हम क्लोन बनाते हैं, और वो क्लोन है अपना टास्क मास्टर। अपना टास्क मास्टर नहीं हो गया फिर तो, और अब तक हमने उसकी रियल आइडेंटिटी देखी नहीं है, क्योंकि उसके हेलमेट की वजह से मार्वल वाले दिखा नहीं रहे हैं, और वो प्रोबेबली एक क्लोन है अपने ब्लैक विडो का। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थ्योरी, हमें इस मूवी में नताशा की ट्रू फैमिली देखने को मिल सकती है। आप बोलेंगे जो फैमिली हमें दिखा रहे हैं वो ट्रू नहीं है। नहीं, वो उसकी ट्रू फैमिली नहीं है, बल्कि वो उसके कलीग्स हैं जो कि मिशन पे उसके साथ रहते हैं, इसीलिए वो उसको अपनी फैमिली मानती है, जिस तरह वो अवेंजर्स को अपनी फैमिली मानती है। पर अवेंजर एंड गेम में हेड स्कल ने ब्लैक विडो के असली फादर का नाम लिया, उसके असली फादर का नाम है इवांस। पर ट्रेलर में हमें कुछ ऐसा देखने को मिला है, जो रेड गार्डियन है, यंग रेड गार्डियन है, वो ब्लैक विडो जब छोटी थी और यलीना जब छोटी थी तब वो उससे बात कर रहे थे। मतलब प्रोबेबली जो रेड गार्डियन है वही उसका रियल फादर हो सकता है, और हमें बाद में पता चले कि वही इवांस है। वैसे ट्रेलर्स में तो उसका नाम एलेक्सी या एलेक्साई बोल रहे हैं उसको। सो नेक्स्ट थ्योरी, मेलिना इज ड्रेकोस डॉटर। तो अगर आपने एवेंजर 1 इंग्लिश में देखी है तो आपको ये स्पीच तो याद होगी, जब ब्लैक विडो ट्रिक्स्टर गॉड को ही ट्रिक कर देती है, तो उसमें ब्लैक विडो की एक लाइन है कि मैं इतना खून साफ नहीं कर सकती, जब भी मेरे कपड़ों पे खून लगता है तो मैं उसे साफ कर देती हूँ। तो लोकी बोलता है क्या तुम इतना खून साफ कर पाओगी, तब वो बोलता है कि ड्रेको उस डॉक्टर, और भी बहुत सारे कई सारे नाम लेता है वो। तो प्रोबेबली जो ड्रेको है उसको ब्लैक विडो ने मारा था, और उसकी डॉटर बदला लेने आई है। ट्रेलर से हमें ये पता चल रहा है कि जो मेलिना है वो ब्लैक विडो की एक एलाई नहीं बल्कि उसकी दुश्मन भी होती है। कुछ तो ये भी कह रहे हैं कि वो टास्क मास्टर भी है, पर टास्क मास्टर वो नहीं है, और प्रोबेबली वो ड्रेको की बेटी है। तो मेलिना अब बदला लेना चाहती है ब्लैक विडो से, तो उसका भी सीन हमें दिखाया जाएगा कि वो बदला कैसे लेती है। सो नेक्स्ट थ्योरी ये है, हंटिंग ब्लैक विडोज। जैसे मैंने आपको बताया कि ड्रेको को ब्लैक विडो ने मार दिया था, पर उसका एक पास्ट का सीन हमें देखने को मिला है ट्रेलर में ही, कि ड्रेको एक डिजिटल मैप पे बहुत सारे डॉट्स मेंशन करता है, मतलब कंप्यूटर मेंशन करता है। सो प्रोबेबली ये डॉट्स कुछ लोग कह रहे हैं कि ब्लैक विडो के नेक्स्ट मिशन या फिर जहां जहां से वो मिशन करके आई है वो डॉट्स हैं, और मुझे लगता है कि ये डॉट्स वो हैं जहां जहां पे ब्लैक विडो बनती हैं, यानी कि ये सारी जगह रेड रूम्स हैं, और प्रोबेबली यहां पे कुछ लड़कियों को ब्लैक विडो बनाया जा रहा है और उनको स्टेराइज करा जा रहा है, और साथ ही साथ ट्रेनिंग दी जा रही है, और साथ ही साथ जिंदा इंसानों को मारा जा रहा है वहां पे। जैसा आपने एज ऑफ अल्ट्रॉन में देखा था, सेम वैसे ही कांड हो रहा है वहां पे बाकी लड़कियों के साथ, जो ब्लैक विडो के साथ हुआ वही सेम चीज बाकी लड़कियों के साथ भी दोहराई जा रही है। सो नेक्स्ट थ्योरी, टास्क मास्टर इज पार्ट ऑफ विंटर सोल्जर प्रोग्राम। हमने ट्रेलर में एक सीन देखा था जिधर टास्क मास्टर ऑर्डर ले रहा है ड्रेको से, और मेरे से गलती हो चुकी है, इधर मैं कह रहा हूँ कि ड्रेको मरा नहीं है, कि बेटी ब्लैक विडो ने मार दी थी, और उसकी बहन मेलिना बदला लेगी। तो पिछली थ्योरी थोड़ी सी गलत हो गई, आई एम सॉरी। तो इस थ्योरी में मैं ये बताना चाहता हूँ कि ड्रेको ऑर्डर दे रहा है टास्क मास्टर को, और वो रिसीव भी कर रहा है। उसमें एक बार वो बोलता है ब्रिंग हर होम, प्रोबेबली ब्लैक विडो को बोल रहा है ब्रिंग हर होम, और मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे विंटर सोल्जर को हाइड्रा वाले ऑर्डर्स देते थे, वैसे ही टास्क मास्टर को ऑर्डर दिया जा रहे हैं। मतलब टास्क मास्टर अभी अपने होश में नहीं है, वो एक प्रोग्राम के कंट्रोल में है।
तो नेक्स्ट थ्योरी, टोनी स्टार्क क्रिएटेड टास्क मास्टर। टोनी स्टार्क ने एमसीयू में बहुत सारी डीमंस बनाए अपने लिए, उनमें से एक हो सकता है टास्क मास्टर। कैसे? कि जो टोनी है वो अक्सर अवेंजर से छुप के टेक्नोलॉजी पे काम करता रहता है, जिस तरह उसने अल्ट्रॉन पे काम करा या फिर ईडर बार्फ, ये सब टेक्नोलॉजी उसने बनाई, पर बार्फ टेक्नोलॉजी मिस्ट्रियो ने बनाई। तो जैसे उसने मिस्ट्रियो को विलन बनाया, वैसे ही टोनी स्टार्क ने एक टेक्नोलॉजी डेवलप करी थी अपने अपोनेंट की फाइटिंग स्टाइल कॉपी करना, और यही टेक्नोलॉजी अब टास्क मास्टर यूज कर रहा है, जो प्रोबेबली उसने चुरा ली होगी स्टार्क इंडस्ट्री से। पर कॉमिक्स में ऐसा बिल्कुल नहीं था। कॉमिक्स में टास्क मास्टर जो भी था अपने दम पे था, पर इधर ऐसा दिखाया जा सकता है कि वो टोनी स्टार्क की टेक्नोलॉजी पे रिलाय करता है। सो और हमें ये भी देखने को मिला है कि टोनी स्टार्क का एक कैमियो सीन भी हो सकता है ब्लैक विडो में। वैसे गूगल की कास्टिंग पे मैं बिलीव नहीं करता, पर टोनी स्टार्क दिखना चाहिए। चेंजिंग नताशा'स फेट। सो इसका क्या मतलब है? कुछ फैंस ये कह रहे हैं कि हमें ब्लैक विडो मूवी देखनी थी, पर अब इस मूवी का क्या फायदा जब ब्लैक विडो जिंदा ही नहीं है। तो उनमें से कुछ फैन ये कह रहे हैं कि हमें लगता है कि जो ब्लैक विडो है वो अभी भी जिंदा है, और जो उधर मरी थी वो कोई और उसकी क्लोन थी, या फिर वो जो विंटर सोल्जर वाली टेक्नोलॉजी थी, मतलब कैप्टन अमेरिका था विंटर सोल्जर में जो उसने टेक्नोलॉजी यूज करी थी अपना फेस स्क्रैप करने के लिए, वही टेक्नोलॉजी अभी उसकी कोई ब्लैक विडोज यूज कर रही है। मतलब मैंने बताया ना, बहुत सारी ब्लैक विडो एग्जिस्ट करती है, तो उनमें से एक ब्लैक विडो नहीं काम किया होगा। पर फिर भी अब क्या कह सकते हैं कि ये मूवी प्रीक्वल ही है, और अगर एमसीयू में हमें वो ऐसा दिखाते हैं कि ब्लैक विडो जिंदा है, तो उसकी डेथ का कोई मीनिंग ही नहीं रहेगा, और इसीलिए वो वापस नहीं आई। थ्योरी नंबर 3, द सोल वर्ल्ड। तो आपको ये बात पता ही होगी कि जो कोई भी मरता है वो सोल वर्ल्ड में चला जाता है, सबको पता है ये बात। ब्लैक विडो की इस मूवी में हमें सोल वर्ल्ड देखने को मिल सकता है। कैसे? जब इस मूवी की एंडिंग होगी या फिर कभी तो पोस्ट क्रेडिट सीन होगा, तो उसमें हमें एक सीन दिखाया जा सकता है जिसमें ब्लैक विडो सोल वर्ल्ड में एंटर कर रही है, और उधर वो रियूनाइट होती है टोनी स्टार्क। और गूगल जैसा कह रहा है कि हमें कैमियो एक्सपेक्टेड है टोनी स्टार्क का, तो वो ये वाला हो सकता है, या फिर जो मैंने आपको पहले बताया वो वाला हो सकता है। वैसे मैं गूगल की कास्टिंग पे बिलीव नहीं करता, पर मैं फिर कहता हूँ टोनी स्टार्क दिखना चाहिए। हाँ, सो आई एम सॉरी, जो मैंने पिछली थ्योरी आपको बताई थी वो थ्योरी नंबर 2 थी, और ये मेरे पास लास्ट थ्योरी ये है कि ब्लैक विडो इज प्रोबेबली अ सुपर सोल्जर। कैसे? जैसे आपने फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर में देखा कि आजकल कोई भी सुपर सोल्जर सीरम बना रहा है, तो उसी तरह जो रेड जूम वाले हैं उन्होंने भी अपना एक सुपर सोल्जर सीरम डेवलप किया होगा, जिसे उन्होंने ब्लैक विडो में इंजेक्ट कर दिया होगा, और तभी मैं सोचूं कि ब्लैक विडो एक आम इंसान होते हुए भी न्यूयॉर्क के बैटल में कैसे सर्वाइव कर गई, क्योंकि वो प्रोबेबली एक सुपर सोल्जर थी। तो यही था उसका राज कि वो कैसे इतनी पावरफुल और इतनी ट्रेंड और स्टेल्थी असैसिनेशन पाए बन पाई। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू प्लीज हिट द लाइक बटन। अब मैं मिलता हूँ आपको मेरी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपने मेरी कोई पिछली वीडियो मिस कर दी हो तो प्लीज आउटरो में देख लेना। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग। Goodbye.